नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। कतर वर्ल्ड कप 2022 में वो कारनामा मेसी ने कर दिखाया जो अब तक किसी और अर्जेंटीनाई खिलाड़ी ने नहीं किया था। यानी कि इस वर्ल्ड कप का पांचवा गोल तो उन्होंने पहले हाफ में मारा ही, इसके अलावा गैब्रियल बातिस्तोता जो कि अर्जेंटीना के बहुत ही कद्दावर खिलाड़ी थे, उनका जो 10 गोलों का विश्व रिकॉर्ड था अर्जेंटीना की ओर से, उसको भी ब्रेक कर दिया है। यानी कि अर्जेंटीना पूरी तरह से पूरी रफ्तार से इस मैच में भागी। और क्या हुआ जरा उसकी झलकियां मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। तो मैच जब शुरू हुआ उस समय ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम बहुत ही दब के खेल रही है, लेकिन 31वें मिनट में एक मौका बिना और अर्जेंटीना के खिलाड़ी जैसे ही क्रोएशिया के गोल पोस्ट की तरफ दौड़े तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन किया उनके गोली ने, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को मिला पेनल्टी कॉर्नर। और जब पेनल्टी कॉर्नर मेसी को मिल जाए तो मेसी के चूकने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो वहां मेसी ने मारा पेनल्टी और अर्जेंटीना इस मैच में हो गया 1-0 से आगे। इसके बाद जो दबाव हम कहते हैं जो सामने वाली टीम पे मेसी की वजह से आता है वो इतना जबरदस्त था कि 38वें मिनट में ही एक बहुत ही अच्छा पास मिला अर्जेंटीना के खिलाड़ी अल्वारेस को और वो गेंद ले जाकर सीधा अकेले अपने ही दम पे उन्होंने क्रोएशिया के सामने एक और गोल दाग दिया। यानी कि शुरू का पहला जो हाफ था उस पर पूरी तरह से अर्जेंटीना ने अपनी पकड़ बनाए रखी। और इसमें हमने वो जो कहावत है ना कि कुकी क्रम्बल, यानी कि दबाव में बिखरने वाला और निखरने वाली जो बात होती है, तो वो क्रोएशिया की टीम को पहले हाफ में पूरी तरह से बिखरते हुए देखा। क्या ये शुरुआत थी अर्जेंटीना के एक और विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की या फाइनल जीतने की और अग्रसर होने की, इसका पता चला सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ तो ये साफ हो चुका था कि क्रोएशिया के लिए ये हाफ आसान नहीं होने वाला है। और शुरुआत क्रोएशिया ने बड़ी संभल कर करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से उनको ड्रिबल ट्रबल दिया मेसी और अल्वारेज ने। मेसी ने एक बहुत ही जबरदस्त पास बनाया और उस पर अल्वारेज ने एक दूसरा गोल इस मैच का अपना दाग दिया। क्रोएशिया दूसरे हाफ में बहुत ही कमजोर नजर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच खत्म होने से पहले ही वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। उनके द्वारा किए गए ज्यादातर जो शूट्स थे गोल पोस्ट की ओर, वो गोल से इतनी दूर जा रहे थे कि पता नहीं वो कौन सी फुटबॉल खेल रहे थे। उनके फैंस की निराशा देखते ही बन रही थी। और इसी बीच जिसे कहते हैं बॉल का जो पोजीशन है वो पूरी तरह से अर्जेंटीना ने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। इस जीत के साथ यानी कि 3-0 से क्रोएशिया को हराकर अर्जेंटीना ना केवल फाइनल में वर्ल्ड कप के चली गई है, बल्कि 2018 में 3-0 से वो इसी टीम से यानी कि क्रोएशिया से ही हारी थी। और तब भी बहुत सी बातें हुई थी मेसी को लेके, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विश्व कप में एक मिशन के साथ मेसी आए हैं और बतौर कप्तान वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं वो सपना दोबारा से जीते हुए देखना चाहते हैं जो मैराडोना के समय में भी देखा गया था। 3 बार की रनर अप रह चुकी है अर्जेंटीना और 2 बार की विश्व विजेता, क्या इस बार का विश्व कप जीत पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये निर्भर करता है कि कौन सी टीम उसके सामने अब फाइनल में खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल अभी होना है जो फ्रांस और मोरक्को के बीच में है, और जहां तक मुझे लगता है जिस तेजी से फ्रांस खेल रही है या मोरक्को खेल रही है, कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल हैं जो इस मैच के बाद, शायद फाइनल के बाद जो सबसे बड़ा सवाल रहता है वो साफ हो जाए, वो ये कि गोल्डन बूट्स कौन जीतेगा। वैसे तो मैसी जो जूता पहन के खेलते हैं उसमें गोल्डन बूट पहले ही बना हुआ है, गोल्ड का उस पर कुछ नक्काशी हो रखी है। और इस मैच में गैब्रियल बातिस्तुता का 10 गोल्स का रिकॉर्ड जो अर्जेंटीना के लिए उन्होंने बनाया था तोड़ते हुए मेसी ने 11 गोल कर दिए हैं और इस विश्व कप में उनका ये 5वां गोल था। इतना ही नहीं, अल्वारेस के भी 4 गोल हो चुके हैं और दूसरी ओर फ्रांस के खिलाड़ी मबाप्पे के भी 5 गोल है। तो इन 3 के बीच में ये कमाल की अभी जंग चल रही है और देखना अब ये है कि क्या अर्जेंटीना विश्व कप जीत पाएगा जो कतर में चल रहा है, और 18 दिसंबर को इस बात का फैसला हो जाएगा।
तो अगर आपको याद हो और डियागो मैराडोना का वो हैंड ऑफ गॉड याद हो, तो इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि इस विश्व कप में कम से कम हैंड ऑफ गॉड ना सही, लेकिन मेसी के खेल ने साबित कर दिया है कि उन्हें दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी क्यों माना जाता है, और कम से कम उनके पास हैंड ऑफ गॉड ना सही लेकिन फुट ऑफ गॉड तो है ही। तो गोल्डन बूट क्या पता मैसी भी जीत जाए। आपकी क्या राय है कमेंट कर कर जरूर बताएं, अपनी राय रखें, और फिर से मुलाकात होगी जब होगा महामुकाबला दो टीमों के बीच। धन्यवाद।